हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ईसा अंबानी की शादी भारत की सबसे सस्ती शादी हुई थी? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि औसतन भारत में हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी में 4 से 5 साल की इनकम खर्च कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन मुकेश अंबानी ने केवल 2 दिन की कमाई का खर्च 750 करोड़ रुपए किया था। क्या आप जानते हैं कि केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। साल 2004 में आई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का टाइटल गाना अब तक का सबसे लंबा गाना है। यह 15 मिनट का गाना है जिसे फिल्म में 2 हिस्सों में दिखाया गया है। पूरी दुनिया में एक दिन में कोरोना वैक्सीन देने का रिकॉर्ड भारत के पास अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ से भी अधिक कोरोना वैक्सीन देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या आपको पता है कि दिल्ली शहर में दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाने का रिकॉर्ड है? दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1826 कैमरे लगे हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर लंदन और फिर चेन्नई आता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले एक लड़के दीपक जांगड़ा को 11,000 वोल्ट के करंट का भी असर नहीं होता। दोस्तों ये तो वाकई में अजूबा है, ये तो सुपर ह्यूमन है दोस्तों। मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जबकि 2700 वोल्ट पर किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। भारत का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन दुनिया का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अखबार भारत में ही पढ़ा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक कई लोग जा चुके, लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र के सबसे निचले स्तर पर अब तक केवल 3 लोग ही पहुंच पाए हैं? सबसे गहरी जगह कौन सी है दोस्तों समुद्र में? मारियाना ट्रेंच। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में पहली बार आदमी नहीं बल्कि एक कुत्ता गया था? दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।